गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हमारा लखनऊ में पहला दिन है और हम यहाँ आए हैं काम करने के सिलसिले में, क्योंकि हमारी शादी पड़ गई है 31 मई और 1 जून को। तो यहाँ आए हैं आज हम लोग, अब यहाँ से आज से काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बेडरूम है जहाँ हम सोते हैं, यहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर लगा हुआ है, एक पार्ट है। ये हमारे अरुण भाई है, अभी जुटे हुए हैं, आटा मैद रहे हैं और ठंड यहाँ काफी पड़ रही है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि चावल बन गया है और ये सब्जी हो रही है। अभी खाना बनने के बाद हम लोग जो है काम पे जाएंगे। ये चावल भी खत्म होने वाला है, लेके आएंगे आज। तो दोस्तों, ठंड बहुत हो रही है, इस वजह से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा अभी, लेकिन अभी जब ड्यूटी चलेंगे तो आप लोगों को दिखाते चलेंगे हम कहाँ रहते हैं। कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को आज बारे में बताऊंगा, खाना कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले इसको लंबा कर देते हैं, इसको उसके बाद इतना छोटा छोटा चकई काट लें फटाफट जल्दी जल्दी। थोड़ा पसंद ले लेते हैं, इतना पसंद काफी है। दोस्तों, ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं कितना कोहरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये वो साइड है जहाँ हम काम करने आए हैं आज। अभी नीचे टाइल पत्थर का काम हो रहा है, तो आइए आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी अंधेरा है, लाइट जलाते हैं। लाइट ऑन हो गया है, ये दरवाजा भी लगाया गया है, हमने लगाया है इस दरवाजे को। ये सब दरवाजा अभी रखा गया है जो इसके ऊपर वाले मंजिल पर लगेगा, काम यही कर रहे हैं हम। और हमारे साथ में 3-4 लोग हैं जो अभी आए नहीं हैं, मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। आप देख सकते हैं ये सब पलाई और सरमाई का रखा गया है, ये सब सरमाई का है जिसको दबा के रखा गया है ताकि बैंड ना होने पाए। औजार है, सामान है, ये बाथरूम है,
तो दोस्तों अभी काम शुरू होगा, तो काम करने के बाद तो शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाला भाई हैं जो कि आके सुपरवाइजर हैं, अभी आए हैं 10-15 पे, दरवाजा की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग मिस्त्री हैं जो हमारे साथ में हैं, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और ये अभी सब दरवाजा रखा गया है लगाने के लिए, तो काम जारी है। खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। ठंड आज बहुत है।